जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th, एक्सरसाइज 9.3, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, गुणोत्तर श्रेणी। उम्मीद है बच्चों कि मैथ्स आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास 9th में। एक्चुअली मैथ्स सिंपल इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, आई स्वेयर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ GP हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। ओके, हिंदी में क्या होगा, आप इसकी हिंदी कर भी सकते हो। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सर्वानुपात 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैंने पूरा लिख के रख दिया। चलिए, A8, तो आप एक चीज नहीं दी है ए, तो यहाँ लिख लो, माना श्रेणी का प्रथम पद ए है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ GP बी ए। ओके, तो A8 आपको दिया है 192। A8 का फॉर्मूला क्या होगा, AR7, है ना, आता है ना आपको, ARN-1 होता है। AR7 इज इक्वल टू 192। R कितना है बच्चों, 2 है, तो 2^7 इज इक्वल टू 192। अब ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। 2^7 मुझे तो याद है क्या है, 128, लेकिन आपको बता रही हूँ 2^7 है ना, तो ये 2^2 × 2^2 × 2^2 × 2, ये भी मन में हो जाता है, तो 4 × 4 × 4 × 2, तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 64 × 2 = 128, तो ये हो गया 128 इज इक्वल टू 192, है ना। तो ए कितना होगा, ए होगा 192 अपॉन 128। कैंसिल करो इसको 4 से, 4 से करते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, ठीक है। अब 16 से हो रहा है, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, यानी ए आ गया है आपका 3/2, है ना। अब क्या रह गया, A12 क्या होगा, AR11, है ना, तो ए है बेटा 3/2 और आर कितना है, 2^11, तो ये हो गया 3 × 2^11 − 1, यहाँ पर पावर 1 है ना, ऊपर जाके वो −1 हो जाएगी। अब ये 2^10, आपको याद है 2^5 32 होता है, है ना, यहाँ 10 है, यानी 32 × 32 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। तो ये चीज़ें बेटा आपको हेल्प करेंगी, अदरवाइज लगी रहो 2 × 2 × 2 × 2 करने में, फिर एक पता चल रहा है कहीं पे गड़बड़ हो गई, तो कुछ चीज़ें अपनी याद कर लो। यहाँ कोई कैलकुलेशन आपका ये थोड़ी आएगा कि आपने कहाँ कैलकुलेट किया, कहीं ये एक्सपेक्टेड है कि बच्चे को इतना तो आता है, ठीक है। तो हो गया बच्चों, पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने ध्यान दिया कि मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो एक छोटा सा पीस फिलर के तौर पे मैं यहाँ इंसर्ट कर रही हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 3072, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 3072। नाउ कैरी ऑन, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। हेयर इज द क्वेश्चन, द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ अ GPR, P, Q and S respectively. शो दैट Q² इज इक्वल टू PS. देखो इन्होंने R मिस किया, क्यों मिस किया, क्योंकि हम इसमें R लेते हैं, है ना। तो अब इसका जो हिंदी है वो हिंदी ये है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां और 11वां पद क्रमशः P, Q तथा S हैं, तो दिखाइए Q² इज इक्वल टू PS. गॉट इट। तो मैं इसको यहाँ पर नोट करूँ, 5वां, फिर उसके बाद 8वां और फिर 11वां। 5वां है P, 8वां है Q, 11वां है S. टू शो, आपको शो करना है कि Q² इज इक्वल टू PS. दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं लिख लूँ कि A5 होता क्या है, बताइए क्या होता है A5 होता है
अभी तो पी है ना, तो ए फाइव यहाँ लिखते हैं, ए आर टू दी पावर फोर इज इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर वन। बच्चों सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज बी ए एंड द कॉमन रेशियो बी आर, ये सब आप मेंशन करोगे। ये हो गया, इसके बाद आपको ए एट गिवन है, इट इज क्यू, एट थोड़ा छोटा बनेगा साइज में, तो ए एट क्या होगा, ए आर टू दी पावर सेवन, ये हो गई आपकी इक्वेशन टू है ना। और इसके बाद ए इलेवन, ये आपको एस गिवन है, तो ए इलेवन क्या होगा, ए आर टू दी पावर टेन इज इक्वल टू एस, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थ्री। अब आप लिखो टू शो, हमको शो क्या करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू एस, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है क्यू, क्यू की वैल्यू बेटा है ए आर टू दी पावर सेवन है ना, और पी की वैल्यू है ए आर, सॉरी पहले एल एच एस लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर और आर टू दी पावर फोर्टीन। अब हम लेंगे अपनी आर एच एस है ना, आर एच एस क्या है, पी एस है ना, पी एस, पी की वैल्यू है ए आर टू दी पावर फोर और एस है ए आर टू दी पावर टेन, ए इंटू ए ए स्क्वायर, और यहाँ भी गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये सेम आ गए ना। अब हम मेंशन करेंगे, सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस शुड, ठीक है, यही दर्शाना था, चूंकि बायां पक्ष इज इक्वल टू दायां पक्ष। क्वेश्चन नंबर फोर, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज गिवन माइनस थ्री, डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म। हिंदी है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद माइनस थ्री है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। देखिए ये फोर्थ टर्म है ना, ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे हम गिवन, इट्स गिवन, ये दिया है, ठीक है। और एक चीज़ आपको दे रखी है, और वो दे रखी है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है माइनस थ्री, और आपसे सेवेंथ टर्म पूछ रहे हैं, है ना। तो आपका मन कर रहा होगा कि वीडियो किया जाए बंद, ये तो मैं खुद ही कर लूँगा या खुद ही कर लूँगी, है ना, सिंपल है। तो ये हुआ, चलिए स्टार्ट करें। अभी आप क्या लिखोगे यहाँ पर, चलो लिख देते हैं, बहुत टाइम से लिखा नहीं है, लेट द कॉमन रेशो बी आर, ठीक है, माना ओहो माना सर्वानुपात आर है, श्रेणी का लिख देना, श्रेणी का सर्वानुपात, सीरीज ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो ये रिलेशन है, आपको क्या है, गिवन दिया है, आपको दिया हुआ है ए फोर इज द स्क्वायर ऑफ ए टू है ना, तो ए फोर क्या होता है, ए आर क्यू, ए टू क्या होता है, ए आर, ये हो गया स्क्वायर। अब ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, यहाँ से एक ए कैंसिल और यहाँ से दो आर कैंसिल, तो यहाँ रह गया आर और यहाँ रह गया ए, समझाने की ज़रूरत है, बोलो नहीं है, मुझे तो नहीं लगती, क्यों, क्योंकि देखो ए, ये दो ए थे, एक ए कैंसिल है ना, या तीन है या दो है, तो ये कैंसिल होगा तो एक आर ही तो बचेगा, तो आर और ए इक्वल आ गए, ए कितना था, माइनस थ्री दिया हुआ था, तो देयर फोर लगा के लिख दो कि ए और आर दोनों ही अब कितने हो गए, माइनस थ्री। कौन सा टर्म चाहिए आपको, आपको चाहिए सेवेंथ, सेवेंथ टर्म क्या होगा, ए आर टू दी पावर सिक्स होगा, ठीक है। तो ए कितना है, माइनस थ्री है ना, और आर भी माइनस थ्री है, माइनस थ्री टू दी पावर सिक्स, तो ये हो गया माइनस थ्री टू दी पावर सेवन हो गया, ठीक है। अब इसको आप ओपन करना चाहो तो कोई खास मुश्किल नहीं है, देखो माइनस थ्री स्क्वायर इंटू माइनस थ्री स्क्वायर इंटू माइनस थ्री स्क्वायर इंटू माइनस थ्री, मान लीजिए अगर आपका मन है ओपन करने का, तो ये आएगा पॉजिटिव नाइन पॉजिटिव नाइन पॉजिटिव नाइन इंटू माइनस थ्री है ना, तो
तो ये आपका 729, अब इतना तो याद होगा ना बच्चों, है ना, 9999 का क्यूब 729, तो 3 9 20 7, 3 2 6 और 2 8 और 3 7 21, हमको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से आता है, तो -2187 हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तीन सीक्वेंस दिए हैं। ठीक है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, दिस इसका कौन सा 128 है, इसका कौन सा ये है, इसका कौन सा ये है, तो तीनों क्वेश्चंस एकदम सिमिलर है, हिंदी में बोलेंगे अनुक्रम का कौन सा पद --। ठीक है, 128 है और ये वो, तो मैं फर्स्ट पार्ट बेटा लिख रही हूँ इसका। पहले फर्स्ट पार्ट आपके सामने है 2, देन 2√2, देन 4, इसका कौन सा टर्म, ये तो इनकी भाषा है तो हम तो इतना लिख देते, कौन सा टर्म 128 है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये मानकर चलेंगे बेटा कि nth टर्म, हर जगह हम ले लेंगे nth टर्म। ठीक है, तो लेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी यहाँ लिख देंगे, लेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बी -128। ठीक है, 128 ये है, मान लिया। तो ए कितना है बच्चों, ए है 2, है ना, आर क्या होगा, 2√2/2, याद आया, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, आर हो गया आपका √2। अब हम ले रहे हैं ए एन को 128, तो ये होगा ए आर टू दी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 128। ए कितना है, 2 है, और आर कितना है, √2 है। ठीक, एन माइनस वन इज इक्वल टू 128। अब हुआ ये √2 टू दी पावर एन माइनस वन, और बच्चों जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 64। आपको मालूम है 64 में कितने 2 है, 6, आपको याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, 2 to the power 6 होता है। ठीक है, समझ गए ना, 6 बार 2 से गुणा करो तो 64 आता है। एक 2 में कितने √2 होते हैं, 2 होते हैं ना, √2 × √2 2 होता है, तो जब 6 2 है तो √2 कितने होंगे, √2 इसके डबल होंगे, क्या प्रॉब्लम है, आया समझ में, 64 में 6 बार 2 है और एक 2 में 2√2 है, यानी कि 64 में कितने √2 होंगे, 12, हर 2√2 से एक 2 बन जाएगा, हो गया। अब बेसिस सेम है ना, तो कंपेयरिंग द इंडिसेस या कंपेयरिंग द पावर बोल दें क्या, चलो पावर बोल देते हैं, इंडेक्स कुछ भी बोल दो, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स 13, तो a 13 आपका 128 होगा आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, मैं आपके सामने रख दूँ बुक, ये रहा सेकेंड, √3, देन 3, देन 3√3, और इसका कौन सा टर्म 729 होने वाला है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ए, बाकी फॉर्मेलिटी तो हम कर ही लेंगे ना, अब ए कितना है बेटा, √3 है, आर होगा 3/√3, आप जानते हैं 3 का मतलब √3 × √3 होता है, हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी क्योंकि मेरे बच्चे अब स्मार्ट हो चुके हैं, तो r कितना है √3। ठीक है, a भी आ गया, r भी आ गया, अब ये बोल रहे हैं तो हम इसको an बोल देते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, तो आपका ये हो जाएगा a r टू दी पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 729। अभी a कितना है, ए है √3, आर भी √3, पावर एन माइनस वन, अब 729, अभी लिख दूँ या चलो लिखें, 729 में 6 3 होते हैं, अब मैं ऐसे कैसे समझाऊँ, 9 × 9 × 9, ये रफ वर्क है, करना नहीं है, 9 × 9 × 9 करने से तो 729 आता है ना बेटा, तो इसमें 2 3 हैं, यानी टोटल 6 3 हैं, 6 3 है ना, तो √3 कितने हुए, 12 हुए, गॉट इट, आई बात समझ में, पिछले क्वेश्चन जैसा है,
देखो इसको एक बार यहाँ से देख लो, 729 में कितने थ्री होते हैं, 6 3 होते हैं, है ना, और एक थ्री में कितने रूट थ्री होते हैं, रूट थ्री 2 होते हैं, तो रूट थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 6, यानी कि इट विल बिकम रूट थ्री टू द पावर 12। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो नीचे था, मैं एक बार यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, हम यहाँ तक बच्चों पहुँच चुके थे। ठीक है, अब आप क्या करो, रूट थ्री को यहाँ अपॉन में ले आओ, तो रूट थ्री टू द पावर एन माइनस वन और 11 बचेगा वैसे तो, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। अब ये हो गया रूट थ्री टू द पावर एन माइनस वन, ये एक रूट थ्री कम हो जाएगा ना, कितना रह जाएगा 11, है ना। फिर वही बात कि पावर्स को कंपेयर कर दो, तो एन की वैल्यू आ गई इस बार 12, गॉट इट, पहले 13 आई थी अभी 12 आ गई। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज इट्स 1/3 कॉमा 1/9 कॉमा 1/27 और ये आपको लास्ट टर्म दिया है 19683। ये आपको बताना है कि ये कौन से नंबर का टर्म है। ठीक, तो ए कितना है बेटा 1/3, आर कैलकुलेट करें तो ये होगा 1/9/1/3, दैट मीन्स 1/9 × 3/1 कैंसिल होगा, आएगा आपका 1/3, वो यहीं से भी दिखता है वैसे तो। ठीक है, अब ए भी 1/3 बाय द वे और आर भी, और ये हम लेते हैं ए एन एज यूजुअल अभी तक लेते आए हैं, तो 1/19683। अब ये हो जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 19683, ए है आपका 1/3, ये भी है 1/3, एन माइनस वन इज इक्वल टू 19683, ये थ्री से ये कैंसिल होगा, इसको ऊपर ले जाए, इसको ऊपर ले जाए थ्री को, 1/3 टू द पावर एन माइनस वन 3/19683 कैंसिल किया, 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 16 561, मुझे अच्छे से मालूम है कि 6 5 6 1 भी 3 की कुछ पावर लगाकर ही आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक रफ जगह ले रही हूँ, ये रहा आपका 6 5 6 1, फैक्टर्स शुरू करते हैं 3 के, 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24, 3 7 21, ये तो आ गया आपका 2 3 की पावर 7 आ गया, ये तो चलो 729 में कितने होते हैं, 3 6 होते हैं, 6 3 होते हैं, 6 7 8, ठीक है शॉर्टकट, तो अभी आपका हो गया 1/3 टू द पावर एन माइनस वन एंड 1/3 टू द पावर 8, है ना, कंपेयर कर दिया आपने, एन माइनस वन इज इक्वल टू 8, 8 इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स दिस दिस एंड दिस आर इन GP। ठीक है, हिंदी में पढ़ दूँ कि एक्स के किस मान के लिए संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, और ये संख्याएं कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा 6th है और संख्याएं हैं -2/7 एक्स एंड -7/2, किस में है बेटा, ये GP में बोल रहे हैं, GP है ना, तो GP में है तो हम जानते हैं कि GM इज इक्वल टू रूट AB होता है, तीन संख्याएं अगर गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच वाला उसका गुणोत्तर माध्य ही तो हुआ, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन हुआ ना, और गुणोत्तर माध्य अगर ABC तीन होते हैं तो B क्या होता है, रूट AC हम पढ़ चुके हैं, तो रूट AB, ये A ये B, गॉट इट, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया -2/7, है ना, A की जगह पर, और यहाँ पर -7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, अंडर रूट कितना आ गया +1, माइनस और माइनस प्लस हो गया ना बेचा, माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आइदर +1 और -1, तो दोनों ही आपके आंसर्स बन गए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने इतने ही सम्स लेने थे, 6 सम्स हो गए हैं मेरे, टारगेट कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ, अब हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।